हम दो सनम रबी जुल करे दो करम मौला करे दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। सूरत अलम नशा की बरकत से क़यामत तक राहें खुल जाती, बहुत जबरदस्त अमल है। और सूरत अलम नशा दिल की नालियों को खोलता है, दिल के मसाइल से बचाता है और सी के सदर दिल घट जाए जिसे घबराहट कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, अनजाना खौफ कहते हैं जिसको, ये अनजाने खौफ का इलाज है, दिल की घुटन का इलाज है, ये अंदर की तंगी का और हालात की कशीदगी का इलाज है। ये सूरत अलम नशा और जबरदस्त और बेहतरीन इलाज है, जबरदस्त इलाज सूरत अलम नशा। और हादसे के लिए, मेमोरी के लिए, हादसे के लिए जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। हादसे के लिए याददाश्त बेहतर करने के लिए जिंदगी के भूली हुई बातें याद आना शुरू हो जाती है, भूली हुई बातें याद आना शुरू हो जाती है, बहुत बहुत कमाल चीज है, हादसे के लिए जबरदस्त चीज है। और अगर रास्ते में कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है वो तो आपका बारह का आजमूद है, और अगर दिल की नाली ब्लॉक है और अगर आंतों में ब्लॉक है और पुरानी कवच है वो भी लाजवाब, और अगर पथरी ब्लॉक है गुर्दे की, मसाने की, पित्ते की, उसके लिए भी तजर्बा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, आपकी आमद, आपकी मोहब्बत और शफकत ने हमें बहुत नेमतें अता की हैं, और उसमें ही एक नेमत अलम नशरह भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानो से अर्ज किया, रब्बे शराह ली सदरी, मौला मेरा सीना खोल दे, और अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना आपके मांगे बगैर खोल दिया है, और क्यामत तक आपका कोई उम्मती भी पढ़ेगा उसका दिल, उसका सीना, उसकी राहें, उसका रिस्क, उसकी सेहत, उसको खैर और बरकत मिलेगी। और ये जो अमल मैंने बताया कि नमाज की पहली रकत में अलम नशरह और दूसरी रकत में अलम तरक इफाम, इसका तो वाकई ये कमाल है, और वाकई बहुत ज्यादा कमाल है। वो कमाल ये है कि ये लाइलाज बीमारियों का इलाज है, लाइलाज बीमारियों का इलाज है। आप पढ़ना शुरू कर दें, आपकी बीमारियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आप पढ़ना शुरू कर दें, आपकी बीमारियां खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। आप पढ़ना शुरू कर दें, आपकी बीमारियां खुद ब खुद आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये लाइलाज बीमारियों का इलाज है, और बहुत जबरदस्त इलाज है, बहुत जबरदस्त इलाज है। अस्सलामु अलैकुम।